हे गाइज आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आई डूंगेलम जहां एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जहां एजुकेशन जोन सो टूडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज फाइव पॉइंट क्लास नाइन चैप्टर नेम इज पॉलिमियस एंड देयर फैक्टर्स एंड द ऑथर ऑफ दिस बुक इज डॉक्टर सुधीर कुमार सो वट आर यू वेटिंग फॉर लेट्स गेट स्टार्टेड अब इस पूरी एक्सरसाइज को हम एक आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करेंगे दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या है ए माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस फाइव हंड्रेड ट्वेल्व अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन को ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा और फिर उसके बाद इसे इसकी एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा अब यहाँ पर x में हमारे पास क्यूब है x हमारे पास किसकी प्लेस में है ए की प्लेस में और फाइव हंड्रेड ट्वेल्व किसकी प्लेस में बी की प्लेस में तो ए क्यूब के फॉर्म में है तो एक्स क्यूब के फॉर्म में है लेकिन बी क्यूब के फॉर्म में हमारे पास आइडेंटिटी में फाइव हंड्रेड ट्वेल्व क्यूब के फॉर्म में नहीं है तो इसे हमें क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा माइनस का साइन दिए तो माइनस का साइन नोट कर देंगे और फाइव हंड्रेड ट्वेल्व किसका क्यूब होता है एट का एट की पावर थ्री मतलब फाइव हंड्रेड ट्वेल्व एट इंटू एट इंटू एट अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कन्वर्ट हो गया ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स और बी की प्लेस में हमारे पास क्या आया एट अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कन्वर्ट हो चुका है अब इसे इसकी एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा इसकी एक्सपेंड फॉर्म क्या हो जाएगी ए माइनस बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स तो यहां पर आ जाएगा एक्स माइनस बी की प्लेस में हमारे पास क्या है एट ओके और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वायर ए की प्लेस में हमारे पास क्या है ए की प्लेस में हमारे पास x है तो ये x होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या है x, ए और बी के बीच में कोई साइन नहीं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नोट कर देंगे बी की प्लेस में हमारे पास क्या है एट तो यहाँ पर एट आ जाएगा ओके okay. अब इसके बाद प्लस का साइन दिया हुआ है तो प्लस का साइन नोट कर देंगे लास्ट में हमारे पास क्या है बी स्क्वायर बी की प्लेस में हमारे पास क्या है एट तो ये हो जाएगा एट होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे अब इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट में दी हुई वैल्यू को वैसे ही नोट करेंगे क्योंकि इसे और सॉल्व नहीं किया जा सकता यहाँ पर एक्स माइनस एट वैसे रहेगा और सेकेंड ब्रैकेट को हमें और सॉल्व करना होगा यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का साइन वैसे ही नोट करेंगे अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है एट और एक्स इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एट पहले नोट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू और अल्फाबेट बाद में प्लस एट का स्क्वायर करने में हमारे पास कितना आएगा सिक्सटी फोर एट की टेबल एट टाइम्स पढ़ेंगे कितना आ जाएगा सिक्सटी फोर एंड दिस इज आर फाइनल आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वन अब यहाँ पर ए क्यूब की प्लेस में एक्स क्यूब है इसे वैसे ही नोट कर देंगे माइनस माइनस का साइन भी वैसे ही नोट करेंगे बी क्यूब की प्लेस में हमारे पास क्या है वन तो इसे भी क्यूब में कन्वर्ट करना होगा वन का क्यूब करने में हमारे पास वन ही आएगा अब यहाँ पर x और वन दोनों को क्यूब में कन्वर्ट कर दिया ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में हो गया अब इसके बाद इसे इसकी एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा एक्सपेंड फॉर्म क्या हो जाएगी a माइनस बी पहले ब्रैकेट में a की प्लेस में हमारे पास क्या है x माइनस बी की प्लेस में हमारे पास क्या है वन और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का साइन आ जाएगा ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स और बी की प्लेस में हमारे पास क्या है वन एक्स का मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो एक्स ही रहेगा प्लस बी स्क्वायर बी की प्लेस में हमारे पास क्या है वन और वन का स्क्वायर करने में वन ही आता है एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या है एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन अब यहां पर एक्स में क्यूब है इसे वैसे ही नोट कर देंगे माइनस ट्वेंटी सेवन को भी हमें क्यूब में कन्वर्ट करना है तो ट्वेंटी सेवन किस डिजिट का क्यूब होता है थ्री का यहाँ पर हो जाएगा थ्री क्यूब अब इसके बाद ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कन्वर्ट हो गया अब इसे इसकी एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ए माइनस बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स माइनस बी की प्लेस में हमारे पास क्या है थ्री और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स इन बी की प्लेस में हमारे पास क्या है थ्री प्लस बी स्क्वायर बी की प्लेस में हमारे पास क्या है थ्री तो हो जाएगा थ्री होल स्क्वायर अब इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट को हम वैसे ही नोट करेंगे क्योंकि इसे और सॉल्व नहीं कर सकते सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर करने में कितना आ जाएगा नाइन एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फोर में हमें क्या दिया हुआ है सिक्सटी फोर माइनस एक्स रेस टू दी पावर थ्री अब यहाँ पर पावर की वैल्यू बाद में है और 64 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू पहले दी हुई है अब कहीं पर भी ऐसा हो जहां पर एक्स वाई ये सब की पावर बाद में दी हो और न्यूमेरिकल वैल्यू बिना पावर वाली पहले लिखी हो ओके तो हमेशा एक्स वाई वाली वैल्यू को पहले नोट करना होगा और सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू को बाद में ओके तो यहाँ पर एक्स की पावर थ्री को हम पहले नोट करेंगे और सिक्सटी फोर को बाद में अब यहाँ पर x की पावर थ्री किस में दी हुई है माइनस में तो पहले माइनस नोट कर देते हैं माइनस एक्स की पावर थ्री ओके और सिक्सटी फोर के आगे कोई साइन नहीं है इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस सिक्सटी फोर अब यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई माइनस एक्स क्यूब प्लस सिक्सटी फोर अब इस तरीके की कोई आइडेंटिटी हमें पता नहीं है ओके या तो प्लस की आइडेंटिटी पता है क्यूब में या माइनस की अब माइनस प्लस दोनों की आइडेंटिटी तो पता नहीं है अब यहाँ पर हमें माइनस कॉमन लेना होगा ताकि किसी एक आइडेंटिटी को हम अप्लाई कर सकें ओके तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में और माइनस प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में और यहाँ पर आ जाएगा सिक्सटी फोर ओके हमेशा साइन चेंज होगा जब हम माइनस कॉमन लेंगे अब इसके बाद माइनस का साइन वैसे ही नोट करेंगे और यहाँ पर बिग ब्रैकेट ओपन करना होगा अब यहाँ पर एक्स क्यूब के फॉर्म में है तो क्या सिक्सटी फोर को हम क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं यहां पर एक्स की पावर थ्री वैसे ही नोट करेंगे माइनस का साइन दिए माइनस का साइन नोट कर देंगे और सिक्सटी फोर को भी क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे सिक्सटी फोर किस डिजिट का क्यूब होता है फोर का फोर की पावर थ्री मतलब सिक्सटी फोर तो यहाँ पर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कन्वर्ट हो गया माइनस कॉमन लेने के बाद तो जिसे हमने कॉमन लिया ऐसे वैसे ही नोट करेंगे इसके बाद बिग ब्रैकेट ओपन करना होगा क्योंकि इस पूरी वैल्यू में से हमने माइनस को हटा दिया है कॉमन ले लिया है यहाँ पर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कन्वर्ट हो चुका है अब इसे इसकी एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा क्या हो जाएगी इसकी एक्सपेंड फॉर्म ए माइनस बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स माइनस बी की प्लेस में हमारे पास क्या हो जाएगा फोर तो ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट कम्प्लीट अब सेकेंड ब्रैकेट ओपन करने से पहले यहाँ पर हम बिग ब्रैकेट ओपन कर चुके हैं यहाँ पर हमें कौन सा ब्रैकेट ओपन करना होगा मिडल ब्रैकेट अब यहाँ पर हमारे पास मिडिल ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा ए स्क्वायर ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी ओके प्लस ए बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स इन टू बी की प्लेस में हमारे पास क्या है फोर प्लस बी स्क्वायर बी की प्लेस में हमारे पास क्या है फोर फोर का स्क्वायर हो जाएगा और मिडल ब्रैकेट क्लोज करेंगे और साथ ही साथ बिग ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे ओके मिडल ब्रैकेट क्या है सेकेंड ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट का मतलब है कि माइनस इस पूरी वैल्यू में कॉमन है इसके बाद माइनस जो हमने कॉमन लिया है इसे वैसे ही नोट करेंगे और बिग ब्रैकेट ओपन करेंगे अब x माइनस फोर मतलब फर्स्ट ब्रैकेट को अभी हम और सॉल्व नहीं कर सकते इसे वैसे ही नोट करेंगे x माइनस फोर और सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व किया जा सकता है क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायेयर प्लस फोर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो ये फोर एक्स हो जाएगा ये फोर एक्स हो जाएगा प्लस फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा सिक्सटीन फोर की टेबल फोर टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा सिक्सटीन अब इसके बाद क्या हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर हमने माइनस लिखा हुआ है इस माइनस को हमें हटाना होगा इस माइनस को हटाने के लिए हमें पहले ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेना होगा ताकि माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाए प्लस में और या फिर कैंसिल हो जाए ओके तो यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस अभी वैसे ही नोट कर देंगे अब यहाँ से इस माइनस को हटाने के लिए फर्स्ट ब्रैकेट में से हमें माइनस कॉमन लेना होगा तो जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है साइन बदल जाता है ओके तो यहाँ पर वैल्यूज का साइन बदल जाएगा एक्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और फोर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा तो जो पॉजिटिव है उसे हम पहले नोट कर देंगे और जो नेगेटिव है उसे बाद में नोट कर देंगे ओके यहाँ पर साइन बदल जाता है माइनस कॉमन लेते ही अब इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले रहे हैं इसे वैसे ही नोट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्सटीन वैसे ही नोट कर देंगे अब माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में या फिर कैंसिल हो गया ये समझ लीजिए अब यहाँ पर बचा क्या यहाँ पर बचा फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास फोर माइनस एक्स फोर माइनस एक्स और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्सटीन एंड दिस इज आर फाइनल आंसर अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच रहा है फोर माइनस एक्स फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें क्या दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब अब इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पर एक्स क्यूब वैसे ही नोट करेंगे माइनस सेकेंड टर्म में हमारे पास क्या वन अपॉन एक्स क्यूब तो इसे होल क्यूब में कन्वर्ट करना होगा क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स होल क्यूब वन की पावर थ्री मतलब वन वन की पावर कितनी भी हो हमेशा वैल्यू वन होती है और एक्स की पावर थ्री वैसे ही नोट हो जाती है अब ये वैल्यू ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कन्वर्ट हो गई अब इसे एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा इसकी एक्सपेंड फॉर्म क्या हो जाएगी x माइनस वन अपॉन एक्स मतलब a माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर ए की प्लेस में हमारे पास क्या है x तो ये हो जाएगा एक्स होल स्क्वायर प्लस आप इसमें डायरेक्ट बी स्क्वायर लगा सकते हैं a की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स इंटू बी की प्लेस में हमारे पास क्या है वन अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर अब यहाँ पर हम डायरेक्ट स्क्वायर नहीं लगा सकते इसे हमें ब्रैकेट में नोट करना होगा और फिर इसके बाद बाहर पावर टू होगी ये पावर दोनों के लिए वन के लिए भी है और एक्स के लिए भी अब फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू को हम और सॉल्व नहीं कर सकते यहां पर क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और सेकेंड ब्रैकेट को और सॉल्व किया जा सकता है यहां पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से एक्स कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है वन वैसे ही नोट करेंगे क्योंकि बज रहा है प्लस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही रहेगा एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें क्या दिया है ए बी रेस टू दी पावर फोर माइनस बी ए रेस टू दी पावर फोर अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या है ए बी रेस टू दी पावर फोर ए की पावर यहाँ पर कम है और सेकेंड टर्म में हमारे पास ए की पावर फोर है यहाँ पर बी में पावर फोर है ए की हाईएस्ट पावर हमें पहले लिखनी होगी और बी की बाद में ओके तो यहाँ पर हम ए की जो बड़ी पावर है उसे पहले नोट करेंगे क्योंकि अल्फाबेट में ए पहले आता है अब सेकेंड टर्म में ए की पावर हमारे पास हाइएस्ट है तो इसे हमें पहले नोट करना होगा इसके आगे कौन सा साइन है माइनस का तो पहले लिखेंगे हम माइनस बी ए रेस टू दी पावर फोर और फिर इसके बाद ए की कम वाली पावर को नोट करना होगा इसके आगे कोई साइन नहीं है इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो, तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी रेस टू दी पावर फोर अब इसे अल्फाबेट की पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करने के बाद यहाँ पर दो साइन आ रहे हैं एक माइनस का एक प्लस का तो ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है जिसमें माइनस का साइन भी आता है और प्लस का भी okay? ओके या तो माइनस की आइडेंटिटी होती है या फिर प्लस की तो यहाँ पर हमें माइनस कॉमन लेना होगा और माइनस के साथ साथ यहाँ पर और क्या कॉमन है यहाँ पर ए और बी भी कॉमन है तो इसे भी हमें कॉमन लेना होगा ए की लोएस्ट पावर और बी की लोएस्ट पावर को हम कॉमन लेंगे अब इसके बाद हमें ब्रैकेट ओपन करना होगा और कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है उसे ब्रैकेट के अंदर नोट करना होगा यहाँ पर दोनों जगह माइनस का साइन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में बी से बी कैंसिल हो जाएगा ए की पावर फोर है फोर में से वन माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी ए की पावर थ्री ओके अब सेकेंड टर्म के आगे कौन सा साइन है प्लस का और यहाँ पर कौन सा साइन दिया हुआ है माइनस का माइनस प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा बी की पावर यहाँ फोर है फोर में से वन माइनस कर देंगे जो हमने कॉमन ली है कितनी बचेगी ब्रैकेट के अंदर बी की पावर थ्री अब इसके बाद जो हमने कॉमन लिया है इसे वैसे ही नोट करना होगा और ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कन्वर्ट हो चुकी है तो यहाँ पर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे क्या होता है ए माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अब ये एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पर माइनस ए भी कॉमन है तो इसे ब्रैकेट के अंदर हमें नोट करना होगा इसे बिग ब्रैकेट में नोट करेंगे अब हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर माइनस का साइन है ये हमें रिमूव करना होगा माइनस का साइन हटाने के लिए हमें क्या करना है फर्स्ट ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेना होगा अभी हम माइनस का साइन वैसे ही नोट करेंगे ए भी कॉमन है इसको भी वैसे ही नोट करेंगे अब फर्स्ट ब्रैकेट में से हमें माइनस कॉमन लेना होगा जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा साइन बदल जाएगा ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज का बी नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव हो जाएगा इसे हमें पहले नोट करना होगा और ए पॉजिटिव है ए के आगे कोई साइन नहीं इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस ए बाद में नोट कर देंगे और सेकेंड ब्रैकेट में से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले रहे इसे वैसे ही नोट करना होगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वैसे ही नोट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे अब यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा ए बी और फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या है बी माइनस ए इसे नोट करेंगे और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्स आर फाइनल क्वेश्चन नंबर सेवन में हमें क्या दिया है एट एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन अब यहाँ पर x में क्यूब है लेकिन एट में क्यूब नहीं है तो इसे क्यूब में कन्वर्ट करना होगा एट किस डिजिट का क्यूब होता है टू तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू एक्स होल क्यूब इसका मतलब एक्स की पावर भी थ्री है और टू की पावर भी थ्री है दैट मीनस एट ओके तो अब ये ए क्यूब में कन्वर्ट हो चुका है पहले ये ए क्यूब की फॉर्म में नहीं था माइनस अब इसे बी क्यूब में कन्वर्ट करना होगा ट्वेंटी सेवन को ट्वेंटी सेवन किसका क्यूब होता है थ्री का तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री होल क्यूब अब हमारा क्वेश्चन ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कन्वर्ट हो चुका है अब इसे इसकी एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा ए की प्लेस में हमारे पास क्या है टू एक्स और बी की प्लेस में हमारे पास क्या है थ्री तो हम नोट कर देंगे ए माइनस बी यहाँ पर हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या टू एक्स होल स्क्वायर प्लस ए बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या टू एक्स इंटू बी की प्लेस में हमारे पास क्या है थ्री प्लस बी स्क्र बी की प्लेस में हमारे पास क्या है थ्री B B तो ये हो जाएगा थ्री होल इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट वाली वैल्यू को हमें वैसे ही नोट करना होगा टू एक्स माइनस थ्री और सेकेंड ब्रैकेट को हम और सॉल्व कर सकते हैं टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर और एक्स के लिए भी स्क्वायर है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा सिक्स और एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन एंड दिस आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर एट में हमें क्या दिया है ट्वेंटी सेवन माइनस एट वाई क्यूब अब यहाँ पर अल्फाबेट वाली वैल्यू बाद में दी हुई है और न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें कोई भी अल्फाबेट इंक्लूड नहीं है उसे पहले लिखा हुआ है तो हमेशा हमें क्या करना है अल्फाबेट में जिसमें पावर दी हुई है उसे पहले नोट करना होगा न्यूमेरिकल वैल्यू को हमेशा बाद में नोट करना होगा अब यहाँ पर एट बाय क्यूब के आगे कौन सा साइन है माइनस का तो हमें क्या लिखना होगा माइनस एट बाई क्यूब ट्वेंटी सेवन के आगे कोई भी साइन नहीं है इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस ट्वेंटी सेवन अब यहाँ पर दो साइन आ रहे हैं एक माइनस का एक प्लस का तो यहाँ पर हमें माइनस कॉमन लेना होगा माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में यहाँ पर क्या आएगा एट बाई क्यूब और माइनस प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन ओके जब कभी भी माइनस कॉमन लेंगे माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा जो माइनस की वैल्यू है इसे पहले नोट करना होगा ये पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव है इसे बाद में नोट करना होगा क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगी ओके अब इसके बाद माइनस का साइन वैसे ही रहेगा एट किसका क्यूब होता है टू का तो यहाँ पर हो जाएगा टू बाई होल क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन किसका क्यूब होता है थ्री का तो यहाँ हो जाएगा थ्री क्यूब अब इसके बाद माइनस का साइन वैसे ही नोट करेंगे अब ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कन्वर्ट हो चुकी है अब इसे इसकी एक्सपैंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा यहाँ पर क्या आ जाएगा ए माइनस बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या है टू वाई माइनस बी की प्लेस में हमारे पास क्या है थ्री और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा अब यहाँ पर बिग ब्रैकेट ओपन हो चुका है यहां पर हम मिडल ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर हमें क्या लिखना होगा ए स्क्वायर ए की प्लेस में हमारे पास क्या है टू वाई तो यहां पर क्या आ जाएगा टू वाई होल स्क्वायर प्लस ए बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या है टू वाय टू बी की प्लेस में हमारे पास क्या थ्री प्लस बी स्क्वायर बी की प्लेस में हमारे पास क्या है थ्री तो ये हो जाएगा थ्री होल स्क्वायर और पहले मिडल ब्रैकेट क्लोज करेंगे फिर बिग ब्रैकेट अब यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट वाली वैल्यू को अभी वैसे ही नोट कर देते हैं टू वाई माइनस थ्री आप यहाँ से डायरेक्ट माइनस कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो क्योंकि ये माइनस आपको रिमूव करना पड़ेगा अब सेकेंड ब्रैकेट को हम और सॉल्व कर सकते हैं मिडिल ब्रैकेट के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट में टू का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा फोर ये हो जाएगा फोर वाई स्क्वायर प्लस टू टू की टेबल थ्री टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा सिक्स ये हो जाएगा सिक्स वाई प्लस थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन तो यहाँ पर आ जाएगा नाइन और ये स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा बिग ब्रैकेट वैसे ही क्लोज कर देंगे अब माइनस का साइन वैसे ही नोट करेंगे अब यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट से हमें माइनस कॉमन लेना होगा ताकि ये माइनस हट जाए बाहर वाला ओके माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में अब यहाँ पर टू बाय माइनस थ्री है माइनस कॉमन लेने के बाद जो माइनस का ब्रैकेट में वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा जो पॉजिटिव हो रहा है उसे पहले लिखना होगा जो नेगेटिव हो रहा है उसे, उसे बाद में लिखना होगा और सेकेंड ब्रैकेट में हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया इसे वैसे ही नोट करेंगे फोर वाई स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस नाइन अब माइनस माइनस यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में हमारे पास क्या बचेगा फर्स्ट ब्रैकेट में थ्री माइनस टू और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा फोर वाई स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस नाइन यहाँ पर जो बिग ब्रैकेट है ये माइनस की वजह से था माइनस यहाँ से हट गया तो ब्रैकेट भी हट जाएगा एंड दिस इज आर फाइनल आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमें यहाँ पर कॉमन लेना होगा क्योंकि एक्स की बड़ी पावर पहले दी हुई है तो इसे अरेंज नहीं करना है इसे डायरेक्ट कॉमन लेना होगा अब इन दोनों में एक्स की कम वाली पावर कॉमन हो जाएगी और ब्रैकेट ओपन करना होगा ब्रैकेट के अंदर हम क्या नोट करेंगे एक्स की पावर यहाँ फोर है फोर में से वन माइनस कर देंगे कितनी बची x की पावर थ्री माइनस का साइन दिए तो माइनस का साइन नोट करना होगा अब सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है सिक्सटी फोर एक्स एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा सिक्सटी फोर अब यहाँ पर एक्स वैसे ही नोट करना होगा इसके बाद एक्स क्यूब के फॉर्म में है इसे वैसे ही नोट करेंगे माइनस सिक्सटी फोर को क्यूब में कन्वर्ट किया जा सकता है यहाँ पर ये यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा फोर की पावर थ्री ओके अब एक्स वापस वैसे ही नोट करेंगे और ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कन्वर्ट हो चुकी है अब इसे इसके एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा इसकी एक्सपेंड फॉर्म क्या हो जाएगी x माइनस फोर मतलब a माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या है x इन टू बी की प्लेस में हमारे पास क्या है फोर प्लस बी स्क्वायर बी की प्लेस में हमारे पास क्या है फोर तो ये हो जाएगा फोर होली स्क्वायर अब इसके बाद x वैसे ही नोट करेंगे और फर्स्ट ब्रैकेट में जो वैल्यू हमारे पास है इसे वैसे ही नोट करेंगे सेकेंड ब्रैकेट की वैल्यू को थोड़ा और सॉल्व कर देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा प्लस फोर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे ये हो जाएगा फोर एक्स प्लस फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा सिक्सटीन ओके फोर की टेबल फोर टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा सिक्सटीन एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर टेन में हमें क्या दिया है एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब अब यहाँ पर एक्स क्यूब दिया है इसे वैसे ही नोट कर देंगे माइनस अब सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब वाई में क्यूब है लेकिन ट्वेंटी सेवन में क्यूब नहीं है इसे क्यूब में कन्वर्ट करना होगा ट्वेंटी सेवन किसका क्यूब होता है थ्री का तो ये हो जाएगा थ्री बाय होल क्यूब अब यहाँ पर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या होता है ए माइनस बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स इंटू बी की प्लेस में क्या है थ्री बाय प्लस बी स्क्वायर बी की प्लेस में हमारे पास क्या है थ्री वाई होल स्क्वायर अब इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास जो भी वैल्यू है इसे वैसे ही नोट करना होगा एक्स माइनस थ्री वाई और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन और यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर एंड दिस इज आर फाइनल आंसर अब क्वेश्चन नंबर अलेवन में हमें क्या दिया है ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब माइनस एट वाई क्यूब अब यहाँ पर x और y में क्यूब है लेकिन ट्वेंटी सेवन और एट में क्यूब नहीं है तो इसे क्यूब में कन्वर्ट करना होगा अब ट्वेंटी सेवन किसका क्यूब होता है थ्री का तो ये हो जाएगा थ्री एक्स होल क्यूब माइनस एट किसका क्यूब होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा टू वाई होल क्यूब अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कन्वर्ट हो चुका है अब इसे इसके एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा इसकी एक्सपेंड फॉर्म क्या हो जाएगी ए माइनस बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या है थ्री एक्स माइनस बी की प्लेस में क्या है टू बाय और सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर इसे हमें ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होगा ये हो जाएगा थ्री एक्स होल स्क्वायर यहाँ पर थ्री के लिए भी स्क्वायर है एक्स के लिए भी स्क्वायर है ओके okay? प्लस ए बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या है थ्री एक्स इंटू बी की प्लेस में हमारे पास क्या है टू बाय प्लस बी स्क्वायर बी की प्लेस में हमारे पास क्या है टू ये हो जाएगा टू बाय होल स्क्वायर अब फर्स्ट ब्रैकेट में जो भी वैल्यू हमारे पास है इसे वैसे ही नोट करना होगा क्योंकि इसे और सॉल्व नहीं कर सकते सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा थ्री का स्क्वायर मतलब नाइन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा सिक्स एक्स पहले नोट करेंगे वाई बाद में अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग टू का स्क्वायर कितना होता है फोर और यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में हमें क्या दिया है वन हंड्रेड एट एक्स रेस टू दावर सेवन बाई रेस टू द पावर फोर माइनस फोर थाउजेंड एक्स रेस टू दी पावर फोर बाई रेस टू पावर सेवन अब यहाँ पर न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेट दोनों वैल्यूज कॉमन हो सकती हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में कॉमन देखते हैं टू से वन हंड्रेड एट को डिवाइड किया जा सकता है और फोर थाउजेंड को भी और फोर से भी वन हंड्रेड एट डिवाइड हो जाएगा और फोर थाउजेंड भी तो जो बड़ी वैल्यू है वो हमें कॉमन लेनी होगी तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या कॉमन लेंगे फोर क्योंकि फोर बड़ा है ओके जितना ज़्यादा हम कॉमन ले सकते हैं उतना ज़्यादा हमें कॉमन लेना होता है तो यहाँ पर फोर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है जिसे हम कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर फोर कॉमन हो जाएगा इसी तरीके से अल्फाबेट में हम क्या कॉमन लेंगे एक्स की पावर फोर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्स की पावर फोर कॉमन हो सकती है यहाँ पर एक्स की पावर फोर आ जाएगी इसी तरीके से वाई की पावर फोर भी दोनों में है ये भी कॉमन हो जाएगा अब कॉमन लेने के बाद हमें ब्रैकेट ओपन करना होगा जब हम फोर से वन हंड्रेड एट को डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना आएगा ट्वेंटी सेवन अब यहाँ पर एक्स की पावर सेवन है सेवन में से फोर माइनस करेंगे कितना बचेगा एक्स की पावर थ्री वाई की पावर फोर से वाई की पावर फोर कैंसिल हो जाएगी माइनस फोर से हम जब फोर थाउजेंड को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा वन थाउजेंड और x की पावर फोर से x की पावर फोर कैंसिल हो जाएगी y की पावर सेवन है यहाँ यहाँ पर फोर है सेवन में से फोर माइनस करेंगे तो y की पावर कितनी बची थ्री अब यहाँ पर फोर एक्स की पावर फोर और y की पावर फोर वैसे ही नोट करेंगे और जो ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू है इसे हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कन्वर्ट करना होगा अब यहाँ पर x में हमारे पास क्यूब है लेकिन ट्वेंटी सेवन में क्यूब नहीं है इसे क्यूब में कन्वर्ट करना होगा ये हो जाएगा थ्री एक्स होल क्यूब माइनस वन थाउजेंड किस का क्यूब हो जाएगा टेन का ये हो जाएगा टेन वाई होल्ड क्यूब अब यहाँ पर फोर आएगा एक्स की पावर फोर और वाई की पावर फोर आ जाएगी अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कन्वर्ट हो चुका है अब इसे इसके एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा इसकी एक्सपेंड फॉर्म क्या हो जाएगी ए माइनस बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या है थ्री एक्स माइनस बी की प्लेस में हमारे पास क्या है टेन वाई और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर ए की प्लेस में हमारे पास क्या है थ्री एक्स हो जाएगा थ्री एक्स होल में हमारे पास क्या है थ्री एक्स इंटू बी की टेन वाई प्लस बी प्लेस में हमारे पास क्या है टेन वाई हो जाएगा टेन वाई होल स्क्वायर अब इसके बाद फोर एक्स की पावर फोर वाई की पावर फोर वैसे ही नोट करेंगे और फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या है थ्री एक्स माइनस टेन वाई इसे भी और सॉल्व नहीं किया जा सकता इसे वैसे ही नोट करना होगा और सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है थ्री एक्स होल स्क्वायर थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन यहाँ पर आ जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की टेबल टेन टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा थर्टी ये हो जाएगा एक्स फाइव प्लस अब इसके बाद टेन का स्क्वायर कितना होगा वन हंड्रेड 10 टेन की टेबल टेन टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा वन हंड्रेड और वाई स्क्वायर एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन में हमारे पास क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब यहाँ पर टोटल फोर टर्म्स हैं फर्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास क्यूब है तो यहाँ पर हम क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया इसकी एक्सपेंड फॉर्म क्या हो जाएगी ए माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओके यहाँ पर हमने इसे डायरेक्ट इसकी एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया अब इसके बाद हमारे पास क्या है प्लस का साइन और लास्ट टू टर्म्स हमारे पास क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना होगा क्या हो जाएगा ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा ए माइनस बी अब यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स है हमारे पास टू फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या है फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है प्लस के बाद फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास है ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन है ए माइनस बी ओके ये रिपीट हो रहा है तो ये कॉमन हो जाएगा यहाँ पर हम क्या नोट कर देंगे ए माइनस बी कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है इसे हमें ब्रैकेट के अंदर नोट करना होगा यहाँ पर ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओके और सेकेंड टर्म में हमारे पास क्या बचेगा ए माइनस बी से ए माइनस बी यहाँ पर भी कैंसिल होगा और सेकेंड टर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी अब यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास दोनों वैल्यूज अलग हैं तो इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता और सेकेंड ब्रैकेट में भी सारी वैल्यूज अलग हैं यहाँ पर ए स्क्वायर है फिर इसके बाद ए बी फिर बी स्क्वायर फिर ए फिर बी यहाँ पर सब अलग है दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में हमारे पास क्या है थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री एक्स क्यूब माइनस फोर्टीन एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब अब यहाँ पर टोटल फोर टर्म्स हैं यहाँ पर टू टर्म्स को हमें एक साथ करना होगा जिसमें हम कॉमन ले सकते हैं या फिर कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री एक्स क्यूब अब फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या दिया हुआ है क्यूब तो सेकेंड टर्म भी हमें ऐसा लेना होगा जिसमें क्यूब हो तो यहाँ पर लास्ट टर्म हमारे पास क्या है माइनस ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब इसे सेकेंड टर्म में नोट करना होगा क्यूब वाले टर्म्स को एक साथ लिखने के बाद अब हमारे पास क्या बचा माइनस फोर्टीन एक्स प्लस सिक्स वाई अब यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस फोरटीन एक्स नोट करेंगे और प्लस सिक्स वाई फर्स्ट टू टर्म्स में x पहले हैं तो लास्ट टू टर्म्स में भी हमारे पास x पहले होना चाहिए और y बाद में है तो y बाद में होना चाहिए अब इसके बाद फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास क्या है थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब अब इन दोनों को हमें होल क्यूब में कन्वर्ट करना होगा थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री किसका क्यूब होता है सेवन का यहाँ आ जाएगा सेवन एक्स होल क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन किसका क्यूब होता है थ्री का तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री वाय होल क्यूब माइनस अब लास्ट टू टर्म्स हमारे पास क्या है माइनस फोर्टीन एक्स प्लस सिक्स वाई अब इन दोनों में क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं तो यहां पर टू कॉमन आ सकता है तो यहां पर टू नोट कर देंगे टू से फोर्टीन भी डिवाइड हो जाएगा और सिक्स भी अल्फाबेट में कुछ भी कॉमन नहीं है इसके बाद हमें ब्रैकेट ओपन करना होगा माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में टू से फोर्टीन को डिवाइड करेंगे ये कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा सेवन टाइम्स में एक्स बच रहा है इसे वैसे ही नोट करेंगे माइनस प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में टू की टेबल में सिक्स कितने टाइम्स में आएगा थ्री टाइम्स में तो ये थ्री हो जाएगा और वाई वैसे ही नोट कर देंगे अब फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है तो इसे इसकी एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा एक्सपेंड फॉर्म क्या हो जाएगी ए माइनस बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या है सेवन एक्स और बी की प्लेस में हमारे पास क्या है थ्री बायेगा माइनस थ्री बाय और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वायर ए की प्लेस में हमारे पास क्या है सेवन एक्स हो जाएगा सेवन एक्स होल स्क्वायर प्लस ए बी ए की प्लेस में सेवन एक्स इंटू बी की प्लेस में थ्री बाय प्लस बी स्क्वायर बी की प्लेस में हमारे पास क्या है थ्री वाई तो हो जाएगा थ्री वाई होल स्क्वायर अब यहाँ पर हमने फर्स्ट टू टर्म्स में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया और इसे इसके एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया अब इसके बाद कौन सा साइन दिया है माइनस का तो यहाँ पर माइनस नोट करेंगे और इसके बाद की वैल्यू को और सॉल्व नहीं किया जा सकता इसे वैसे ही नोट करेंगे टू और ब्रैकेट के अंदर सेवन एक्स माइनस थ्री वाई अब फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या है सेवन एक्स माइनस थ्री वाई इसे वैसे ही नोट करना होगा क्योंकि इसे और सॉल्व नहीं कर सकते और सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा सेवन का स्क्वायर मतलब फोर्टी नाइन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन के टेबल थ्री टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा ट्वेंटी वन एक्स वाई और प्लस थ्री का स्क्वायर कितना होगा नाइन तो यहाँ पर आ जाएगा नाइन वाई स्क्वायर अब इसके बाद माइनस का साइन दिया तो माइनस का साइन नोट करेंगे और यहाँ पर टू और ब्रैकेट के अंदर सेवन एक्स माइनस थ्री वाई को वैसे ही नोट करना होगा क्योंकि इसे और सॉल्व नहीं कर सकते इसमें सिर्फ कॉमन ले सकते थे तो कॉमन हमने ले लिया अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कितने टर्म्स हैं है सेवन एक्स माइनस थ्री वाई है फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में भी हमारे पास सेवन एक्स माइनस थ्री वाई है तो यहाँ पर सेवन एक्स माइनस थ्री वाई इन दोनों टर्म में कॉमन हो जाएगा तो इन दोनों टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है ब्रैकेट के अंदर सेवन एक्स माइनस थ्री वाई अब इसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है तो सेवन एक्स माइनस थ्री वाई हमारे पास कॉमन है ये इससे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में हमारे पास फोर्टी नाइन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी वन एक्स वाई प्लस नाइन वाई स्क्वायर और इसके बाद क्या दिया हुआ है माइनस तो यहाँ पर माइनस का साइन नोट कर देंगे सेकेंड टर्म में हमारे पास क्या बच रहा है टू तो इसे वैसे ही नोट करेंगे और सेवन एक्स माइनस थ्री वाई से सेवन एक्स माइनस थ्री वाई कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में हमारे पास क्या है एक्स क्यूब माइनस एट वाई क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस फोर एक्स वाई स्क्वायर अब यहाँ पर भी टोटल फोर टर्म्स हैं तो यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास क्या है एक्स क्यूब माइनस एट वाई क्यूब यहाँ पर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर x में क्यूब दिया हुआ है तो इसे वैसे ही नोट करेंगे माइनस एट को क्यूब में कन्वर्ट करना होगा ये हो जाएगा टू वाई होल क्यूब माइनस अब लास्ट टू टर्म्स हमारे पास क्या है माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस फोर एक्स वाई स्क्वायर अब इन दोनों टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है तो पहले न्यूमेरिकल वैल्यू में देखते हैं यहाँ पर टू कॉमन है टू से टू कैंसिल होगा और फोर भी कैंसिल होगा यहाँ पर टू कॉमन हो जाएगा और अल्फाबेट में हमारे पास कॉमन क्या है एक्स दोनों टर्म में है तो एक्स आ जाएगा और वाई भी दोनों टर्म में है तो वाई की भी कम पावर कॉमन हो जाएगी माइनस माइनस किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में टू से टू कैंसिल हो जाएगा एक्स की पावर यहाँ टू है वन टाइम नोट किया हुआ है तो वन टाइम बचेगा वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में टू से फोर कितने टाइम्स में डिवाइड होगा टू टाइम्स में एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और वाई की पावर यहाँ टू है टू में से वन माइनस कर दी तो कितनी बची वन अब फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास क्या है एक्स क्यूब माइनस टू वाई होल क्यूब यह ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है इसे इसकी एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस टू वाई और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वायर ए की प्लेस में क्या है x तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी ए की प्लेस में एक्स है इंटू बी की प्लेस में हमारे पास क्या है टू वाय प्लस बी स्क्स में हमारे पास क्या है टू वायेगा टू वाई होली स्क्वा फॉर्म में था इसे इसके एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया अब इसके बाद क्या बच रहा है माइनस टू एक्स वाई इसे वैसे ही नोट करना होगा और ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस टू वाई एक्स माइनस टू वाई इन दोनों टर्म में कॉमन है तो डायरेक्ट आप कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या है एक्स माइनस टू वाई इसे वैसे ही नोट करना होगा क्योंकि इसे और सॉल्व नहीं कर सकते हैं सेकेंड ब्रैकेट की वैल्यू को और सॉल्व कर सकते हैं तो इसे और सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायेयर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर ये हो जाएगा फोर वाई होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई और ब्रैकेट में एक्स माइनस टू वाई को वैसे ही नोट करना होगा अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है एक्स माइनस टू वाई यहाँ पर हम x माइनस टू वाई को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर हमें x माइनस टू वाई कॉमन लेना होगा अब फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या है x माइनस टू वाई ये एक्स माइनस टू वाई से कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायेर प्लस टू एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर अब इसे वैसे ही नोट करना होगा क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा अब इसके बाद सेकेंड टर्म में हमारे पास क्या है माइनस टू एक्स वाई और ब्रैकेट में एक्स माइनस टू वाई एक्स माइनस टू वाई से एक्स माइनस टू वाई कैंसिल हो जाएगा यहां पर क्या बचेगा माइनस टू एक्स वाई अब इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट में जो भी वैल्यू हमारे पास है इसे वैसे ही नोट करना होगा और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर कहीं और रिपीट हुआ है नहीं हुआ है तो इसे वैसे ही नोट करेंगे अब इसके बाद प्लस टू एक्स वाई दिया है और यहाँ पर माइनस टू एक्स वाई तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल टू एक्स वाई में से टू एक्स वाई माइनस करेंगे तो कितना आएगा ज़ीरो अब इसके बाद क्या बचा प्लस फोर बाई स्क्वायर एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में हमें क्या दिया है एक्स की पावर सिक्स माइनस वाई की पावर सिक्स तो हम इसे स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप इसे जिसमें कन्वर्ट करना चाहो कर सकते हो यहाँ पर हम इसे पहले स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए बाहर पावर टू अगर एक्स को हम स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है सिक्स टू की टेबल में सिक्स कितने टाइम्स में आता है थ्री टाइम्स में तो यहाँ पर अंदर हमें कितना नोट करना होगा थ्री ओके माइनस और अगर आप क्यूब में कन्वर्ट करना चाहो तो अंदर फिर आपको टू नोट करना होगा और बाहर थ्री तो ऐसे भी आप कर सकते हैं अब इसी तरीके से यहाँ पर y को भी हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना है क्योंकि हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं अब यहाँ पर y को भी हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर y की पावर कितनी है सिक्स टू की टेबल में सिक्स कितने टाइम्स में आता है थ्री टाइम्स में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई क्यूब होल स्क्वायर अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है अब इसे इसके एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगी ए प्लस बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स की पावर थ्री प्लस बी की प्लेस में हमारे पास क्या है वाई की पावर थ्री और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या ए माइनस बी एक्स की पावर थ्री माइनस वाई की पावर थ्री सिंपल है जहां पर भी पावर टू होती है और सेंटर में माइनस का साइन है वहां पर हमें ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को एक बार प्लस के साइन के साथ और एक बार माइनस के साइन के साथ नोट करना होता है और अगर आप फर्स्ट स्टेप को स्किप करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि इसकी डायरेक्ट एक्सपेंड फॉर्म यही है एक्स की पावर थ्री प्लस वाई की पावर थ्री फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स की पावर थ्री माइनस वाई की पावर थ्री ये कैसे आई ये मैंने आपको बता दिया फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो यहाँ पर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसकी एक्सपेंड फॉर्म क्या होगी ए प्लस बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स प्लस बी की प्लेस में क्या है वाई ओके okay? और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई मतलब ए बी प्लस वाई स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर किसके फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओके तो जो भी फॉर्मूला आपने याद किया है चाहे वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का हो या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हो ओके okay, वही आपको अप्लाई करना है अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसकी एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को इसकी एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास माइनस आ जाएगा ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स और बी की प्लेस में वाई ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आता है ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी मतलब एक्स वाई और प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर ओके अब इसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या है एक्स प्लस वाई तो हमें सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखना होगा एक्स माइनस वाई यहां पर सेम नेचर वाले ब्रैकेट को एक साथ लिखना होगा ओके यहां पर एक्स प्लस वाई है तो कहीं और एक्स वाई है यहां पर एक्स वाई है माइनस के साइन के साथ तो इसे एक साथ लिख दिया अब इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और सेम यही वैल्यू है प्लस के साइन के साथ तो प्लस के साइन के साथ वाली वैल्यू हम पहले नोट करेंगे और माइनस के साइन के साथ वाली वैल्यू को बाद में जैसे प्लस का साइन यहाँ पर पहले हो, और माइनस का बाद में यहाँ पर हम क्या नोट करेंगे जो लास्ट ब्रैकेट में वैल्यू हमारे पास है क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसमें सब जगह प्लस का साइन है और माइनस के साइन वाले को हम बाद में नोट करेंगे कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज आर फाइनल आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास क्या एक्स की पावर नाइन माइनस वाई की पावर नाइन अब क्या हम इसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो नहीं हम इसे स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते ओके okay? क्यों क्योंकि टू की टेबल में नाइन नहीं आता अब यहाँ पर एक्स की पावर नाइन को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा क्यूब में ओके पावर थ्री में स्क्वायर में हम इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि टू की टेबल में नाइन नहीं आता ओके तो यहाँ पर क्या नोट करना होगा थ्री थ्री की टेबल में नाइन आता है कितने टाइम्स में आता है थ्री टाइम्स में तो थ्री अंदर नोट करना होगा माइनस अब यहाँ पर वाई की पावर भी नाइन है तो इसे भी हमें क्यूब में कन्वर्ट करना है थ्री की टेबल में नाइन यहाँ पर भी कितने टाइम्स में आ जाएगा थ्री टाइम्स में अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कन्वर्ट हो चुका है अब इसे इसकी एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा क्या हो जाएगा a माइनस बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स की पावर थ्री माइनस बी की प्लेस में हमारे पास क्या है वाई की पावर थ्री ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू a और b होती हैं और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वायर ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स क्यूब यह हो जाएगा एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस ए बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स की पावर थ्री इंटू बी की प्लेस में हमारे पास क्या है वाई की पावर थ्री प्लस बी स्क्वायर बी की प्लेस में हमारे पास क्या है वाई क्यूब तो हो जाएगा वाई क्यूब होल स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट को हम और सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है इसे हम इसकी एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई मतलब ए माइनस बी और एक्स स्क्वायेर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायेर यहाँ पर हमने इसके एक्सपेंड फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दिया अब सेकेंड ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना होगा एक्स की पावर कितनी हो जाएगी थ्री की टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा सिक्स ओके हमेशा ब्रैकेट के अंदर बाहर कोई भी पावर दी हो उसे मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पर थ्री की टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे कितना आ जाएगा सिक्स प्लस एक्स की पावर थ्री पहले नोट करेंगे और वाई की पावर थ्री बाद में प्लस यहाँ पर भी वाई की पावर कितनी हो जाएगी थ्री टू जार सिक्स अब इसके बाद हम इसे और सॉल्व नहीं कर सकते एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर एटीन में हमारे पास क्या है ए क्यूब माइनस जीरो पॉइंट टू वन सिक्स अब यहाँ पर ए में क्यूब है हमारे पास माइनस का साइन भी वैसे ही नोट कर देंगे और जीरो पॉइंट टू वन सिक्स को हमें क्यूब में कन्वर्ट करना होगा क्वेश्चन में हमें क्या दिया है जीरो पॉइंट टू वन सिक्स तो टू वन सिक्स किसका क्यूब होता है अगर हम जीरो पॉइंट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो हमारे पास क्या बचेगा टू हंड्रेड सिक्सटीन सिक्स का मल्टीप्लाई सिक्स में करेंगे कितना आएगा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स का मल्टीप्लाई जब हम सिक्स में करते हैं तो हमारे पास क्या आता है टू हंड्रेड सिक्सटीन ओके यहाँ पर टू हंड्रेड सिक्सटीन तो हमारे पास आ गया लेकिन अब हमें पॉइंट भी चाहिए तो यहां पर हम क्या नोट करेंगे जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट और जीरो पॉइंट तो इन सब का मल्टीप्लाई करने में हमारे पास क्या आ जाएगा तो यहाँ पर जितने भी सिक्स दिए हैं इन सब का मल्टीप्लाई करने में कितना आया टू हंड्रेड सिक्सटीन आप पॉइंट वाली वैल्यूज देख लेते हैं यहाँ पर सिक्स के आगे पॉइंट है यहाँ पर भी सिक्स के आगे पॉइंट है और यहाँ पर भी सिक्स के आगे पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है और पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक डिजिट है तो टोटल कितने डिजिट हुए थ्री तो यहाँ पर पॉइंट हम कहा लगाएंगे वन टू थ्री पीछे से तीन डिजिट के आगे ओके और यहाँ पर जीरो नोट करना होगा यहाँ पर जीरो पॉइंट सिक्स का मल्टीप्लाई जब हम जीरो पॉइंट सिक्स में करेंगे और जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई जब हम जीरो पॉइंट सिक्स में फिर से करेंगे तो हमारे पास जीरो पॉइंट टू वन सिक्स आ जाएगा अब यहाँ पर जीरो पॉइंट टू वन सिक्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है क्यूब में तो टू हंड्रेड सिक्सटीन किसका क्यूब होता है सिक्स का तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स होल क्यूब अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है अब इसे इसके एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा क्या हो जाएगा a माइनस b की प्लेस में हमारे पास क्या है जीरो पॉइंट सिक्स ए हो जाएगा a माइनस जीरो पॉइंट सिक्स और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी ए की प्लेस में हमारे पास a है इंटू बी की प्लेस में जीरो पॉइंट सिक्स प्लस बी स्क्वायर बी की प्लेस में हमारे पास क्या है जीरो पॉइंट सिक्स होल स्क्वायर अब फर्स्ट ब्रैकेट की जो वैल्यू है इसे वैसे ही नोट करना होगा यहाँ पर आ जाएगा a माइनस जीरो पॉइंट सिक्स क्योंकि इसे और सॉल्व नहीं कर सकते और सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है ए स्क्वायर इसे वैसे ही नोट करेंगे प्लस जीरो पॉइंट सिक्स पहले नोट करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है और अल्फ़ाबेट को बाद में प्लस जीरो पॉइंट सिक्स का स्क्वायर करने में हमारे पास कितना आएगा सिक्स की टेबल सिक्स टाइम्स पढ़ेंगे कितना आ जाएगा थर्टी सिक्स अब यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है तो जीरो पॉइंट सिक्स इंटू जीरो पॉइंट सिक्स करने पर पॉइंट के दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर दो डिजिट के आगे पॉइंट लगाना होगा और पॉइंट के आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो हमें यहाँ पर जीरो नोट करना होगा ये क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री सिक्स जीरो प्वाइंट सिक्स का स्क्वायर करने में हमारे पास क्या आएगा जीरो पॉइंट थ्री सिक्स ओके एंड दिस इज आर फाइनल आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर हमें क्या दिया है x की पावर सेवन y की पावर सेवन माइनस एक्स वाई अब यहाँ पर डायरेक्ट हमें कॉमन लेना होगा क्या कॉमन हो जाएगा इन दोनों में क्या कॉमन है x और y अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा x की पावर यहाँ पर सेवन है सेवन में वन माइनस करेंगे तो कितनी बची x की पावर सिक्स और इसी तरीके से y की पावर सिक्स बचेगी माइनस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा वन अब यहाँ पर एक्स वाई वैसे ही नोट करेंगे अब यहाँ पर x की पावर सिक्स है y की पावर सिक्स है तो आप चाहो इसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आप चाहो तो इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ओके तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स वाई और ब्रैकेट के बाहर हमें कितनी पावर चाहिए यहाँ पर क्यूब अब यहाँ पर एक्स की पावर सिक्स है और हमने क्या लिया क्यूब मतलब पावर थ्री तो थ्री के टेबल में सिक्स कितने टाइम्स में आता है टू टाइम्स में तो एक्स की पावर टू अंदर लिखना होगा ब्रैकेट के इसी तरीके से वाई की पावर भी सिक्स है तो यहाँ पर भी वाई की पावर टू अंदर लिखनी होगी थ्री टूर सिक्स ओके माइनस अब सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है वन तो वन को भी हमें क्यूब में कन्वर्ट करना होगा अब यहाँ पर एक्स वाई हमने कॉमन लिया था इसे वैसे ही नोट करना होगा अब ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू में हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो इसे इसकी एक्सपेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा ए माइनस बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा अब यहाँ पर हम बिग ब्रैकेट ओपन कर चुके हैं तो यहाँ पर सेकेंड ब्रैकेट के लिए हमें मिडल ब्रैकेट ऑन करना होगा सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर ए की प्लेस में क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन बी की प्लेस में हमारे पास क्या है वन प्लस बी स्क्वायर मतलब वन तो वन का स्क्वायर हो जाएगा और मिडिल ब्रैकेट क्लोज करेंगे पहले बिग ब्रैकेट बाद में अब यहाँ पर एक्स वाई जो हमने कॉमन लिया था इसे वैसे ही नोट करना होगा फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है वन का स्क्वायर वन ही रहेगा और यहाँ पर ये स्क्वायर में वैल्यू दी हुई है तो हम इसमें डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ओके क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए की प्लेस में हमारे पास क्या है एक्स बाय ओके स्क्वायर में ये है स्क्वायर हटा के लिखना होता है ए प्लस बी की प्लेस में हमारे पास क्या है वन और फिर एक बार इसे माइनस करके लिखना होगा तो ये हो जाएगा एक्स बाय माइनस वन फर्स्ट ब्रैकेट में हमने कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ए प्लस बी ए माइनस बी में इसे कन्वर्ट कर दिया और सेकेंड ब्रैकेट को भी हम और सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर एक्स की पावर टू है और होल स्क्वायर दिया हुआ है टू टू जार कितना हो जाएगा फोर तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर फोर और वाई की पावर भी फोर हो जाएगी टू टू जर फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही रहेगा प्लस वन का स्क्वायर करने में हमारे पास क्या आएगा वन अब इसके बाद एक्स वाई वैसे ही नोट कर देंगे फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या है एक्स वाई प्लस वन इसे वैसे ही नोट करेंगे सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है एक्स वाई माइनस वन इसे भी वैसे ही नोट करेंगे यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट में जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है एक्स की पावर फोर वाई की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन इसे हमें हाफ करके लिखना होगा तो इसे हमें दो ब्रैकेट में लिखना होगा अब यहाँ पर एक्स की पावर फोर है तो इसकी हाफ पावर क्या हो जाएगी टू और वाई की पावर भी फोर है तो यहाँ पर वाई की पावर टू आ जाएगी ओके प्लस यहाँ पर एक्स की पावर टू दी हुई है तो एक्स से पावर हट जाएगी वाई की भी पावर हट जाएगी प्लस वन क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर फोर है तो हमने दो ब्रैकेट में इसे डिवाइड किया फर्स्ट ब्रैकेट में इसकी आधी पावर नोट कर दिए आधी पावर को हम सेकेंड ब्रैकेट में नोट करेंगे क्या हो जाएगी एक्स की पावर टू वाई की पावर टू लेकिन यहाँ पर जो एक्स वाई प्लस में है यहाँ पर माइनस में हो जाएगा और ये फिर बाद में कैंसिल होंगे और जब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम यही वैल्यू आएगी ओके और क्या दिया हुआ है प्लस वन तो वन वन का हाफ वन ही रहेगा वन की पावर कितनी भी हो वैल्यू हमेशा वन रहेगी अब इन दोनों ब्रैकेट का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्स की पावर फोर वाई की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा ओके तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करके दो ब्रैकेट में लिख सकते हैं एंड दिस इज आर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में हमारे पास क्या है सेवन एम रेस टू दावर फोर एन माइनस सेवन एम एन रेस टू दावर फोर अब यहाँ पर पावर के अकॉर्डिंग तो ये लिखा हुआ है अब हमें क्या करना है इसमें कॉमन लेना होगा यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन है न्यूमेरिकल वैल्यू में हमारे पास कॉमन है और अल्फाबेट में एम कॉमन है और एन भी कॉमन है अब फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या है सेवन एम रेस टू दावर फोर एन इसे हमें सेवन एम एन से डिवाइड करना होगा सेवन से सेवन कैंसिल हो जाएगा एम की पावर फोर है फोर में से वन माइनस कर देंगे तो एम की पावर थ्री बचेगी एन से एन कैंसिल हो जाएगा माइनस सेकेंड टर्म क्या है सेवन एम एन रेस टू दी पावर फोर सेवन से सेवन कैंसिल हो जाएगा एम से एम कैंसिल हो जाएगा एन की पावर फोर है फोर में से वन माइनस करेंगे तो एम की पावर कितनी बचेगी थ्री अब यहाँ पर सेवन एम एन वैसे ही नोट कर देंगे और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है एम क्यूब माइनस एन क्यूब यहाँ पर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा ए माइनस बी मतलब एम माइनस एन फिर सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा ए स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर प्लस ए बी ए बी की जगह पर क्या आ जाएगा एम एन प्लस बी स्क्वायर बी की प्लेस में हमारे पास क्या है एन तो यहाँ पर आ जाएगा एन स्क्वायर एंड दिस इज आर फाइनल आंसर सो एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टेन हमारी कंप्लीट हो चुकी है अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है कोई क्वेरी आपकी तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ में आ जाएंगी क्योंकि यहां पर सभी एक्सरसाइज में आपको आइडेंटिटीज अप्लाई करनी होंगी तो आइडेंटिटीज को अच्छे से मेमोराइज करिए प्रैक्टिस करिए आपके माइंड में ये फिक्स हो जाएंगी ओके और इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ओके सो तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल इफ यू आर न्यू एंड वॉचिंग फर्स्ट टाइम And press the bell icon so that you never ever miss any update regarding all these kind of videos. I'll come back with a new video very soon. Till then, stay happy, stay tuned, stay connected. Take care. Bye bye.